हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्राइब डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के न्यूज़पेपर से। बिफोर दैट लेट अस फर्स्ट रिकॉल द लास्ट न्यूज़पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, द बजट, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय डैश विद द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 197.4 करोड़। आर शणमुगम शेट्टी, वाई बी चौहान, जे एल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने रिसेंटली कल जो है वो पूरा एनालिसिस किया था बजट का, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को होमवर्क करना है क्या कि इंडिया में पहला बजट किसने निकाला, रेलवे बजट और दूसरे बजट के अंदर क्या डिफरेंस रह जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि आपको होमवर्क करना है ना। तो उसी होमवर्क के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। काफी ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे है ना। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए क्या आंसर होगा। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। एनीवन एल्स? सबके हिसाब से आंसर ए ही होना चाहिए। बिल्कुल आंसर है आर शणमुगम शेट्टी, है ना। इन्होंने इंडिया का पहला बजट दिया था, इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, और इन्होंने फर्स्ट जो है वो बजट इंडिया का दिया था। रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन द ईयर 1923, 24, 1925 और 26। जनरल बजट जो है उसको रिसेंटली आपके 2016, 17 के अंदर वापस से जो है वो आपके जनरल बजट के साथ जोड़ा गया है ना। और उससे पहले भी जो था वो एक साथ में था, रेलवे बजट को फिर अलग कर दिया था, है ना। तो ये कई बहुत समय तक अलग रहा, उसके बाद में वापस इसको अभी रिसेंटली 16-17 में वापस जोड़ दिया गया और साथ में ये प्रेजेंट किया जाता है जनरल बजट की। तो क्वेश्चन इसमें ये है कि भाई सबसे पहले जो है अलग कब किया गया था इसको। बी इज द आंसर, बी बी। चलिए बढ़िया है, आप लोग लगता है आज करके आए हैं होमवर्क। 1924 इज द आंसर। Which of the following finance ministers have presented the budget for the highest number of times in history of India? Pranab Mukherjee, Arun Jaitley, Nirmala Sitharaman और Morarji Desai। किसने सबसे ज्यादा बार जो है वो इंडिया में बजट पेश कर रखा है, और इंडिया की जो हिस्ट्री है बजट पेश करने की उसके अंदर, बताइए। बी इज द आंसर, अरुण जेटली। बी एनीवन एल्स? सबका आंसर बी है, बी या ए। ए इज द आंसर। वेल आंसर इज मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स जो है वो बजट पेश किया हुआ है ना। सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया हुआ है मोरारजी देसाई ने, 10 बार, है ना। एक बहुत लंबे पीरियड के लिए फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं, है ना। ये चीज है। द गवर्नमेंट हैज अ टारगेट टू डिक्रीज द लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट टू डैश बाय 2025-26, 3.5, 4.5, 1.5 और 5.5। बताइए एनीवन? डी इज द आंसर, 5.5। द गवर्नमेंट हैज अ टारगेट ऑफ टू डिक्रीज द लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट टू डैश बाय 2025-26। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट है 4.5 का, 5.5 का टारगेट नहीं है, 4.5 का है। 5.9 इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो है इस बार के बजट में। 2025-26 के लिए जो हम लोगों ने टारगेट माना है कि भाई ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो फायदा रहेगा, वो टारगेट है 4.5 का, है ना। थोड़ा सा गौर करें जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको।
अवस्थी मैंने भेज दिया है न्यूज़पेपर, आपको आज मिल जाएगा उसका पीडीएफ, है ना, भेज दिया गया है। अडानी क्रैश स्टॉल्स पार्लियामेंट, ऑपोजिशन सीक्स जेपीसी प्रूफ। देखिए आप लोगों को, हम लोगों ने रिसेंटली बात करी थी कि अडानी जो ग्रुपिंग है उसके शेयर्स जो है वो काफी ज्यादा गिर चुके हैं ना, उसकी काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हुई है। और इसके अंदर हम लोगों ने ये भी चीज देखी थी कि कुछ गवर्नमेंट कंपनीज जो है उनका भी जो शेयर है वो अडानी के पास में है, और अडानी जो ग्रुपिंग है उनके अंदर कई सारे शेयर जो है वो LIC के भी और SBI के भी देखने को मिला है कि भाई इनका भी जो है वो इसके अंदर शेयर है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये चीज मानी जा रही है कि भाई पार्लियामेंट जैसे शुरू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली बजट सेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, तो ये जो पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हुआ इसके अंदर शुरू होते ही जो है वो पूरा इसके ऊपर जो काफी ज्यादा जो है वो इशू होने लग गया, और ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर के कहा भाई ज्वाइंट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठनी चाहिए, भाई इस तरह से कैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनीज जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ में, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत का काम करे, ठीक है ना। तो एज सच जो है वो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो है वो बातचीत हुई है। देखो इस चीज को समझिएगा, आपके पार्लियामेंट जैसे ही शुरू होता है, बजट सेशन जैसे शुरू होता है, तो जो सरकार होती है उसकी हमेशा ये इच्छा रहती है भाई ज्यादा से ज्यादा हम लोग बिल पास कर लें, और जो ऑपोजिशन में होते हैं, अब भले कोई भी हो ऑपोजिशन में, अभी जो सरकार है वो बाद में ऑपोजिशन में हो जाएंगे या अभी जो ऑपोजिशन में वो सरकार में हो जाएंगे, तो जो सरकार में होगा वो ये सोचेगा ज्यादा से ज्यादा बिल पास करें, और जो ऑपोजिशन में होंगे वो ये सोचेंगे कैसे कैसे सरकार जो है उनका जो बजट है पार्लियामेंट के अंदर या फिर कोई भी तरह का बिल है उसको स्टॉल कर सके, उसको रोक सके और काम ठप करवा सके पार्लियामेंट का, है ना। ये प्रैक्टिसेस पहले नहीं थी पार्लियामेंट में, पर आजकल बहुत ज्यादा प्रेविलेंट होने लग रही है। इसीलिए ये देखा जाता है कि भाई लोकसभा या राज्यसभा जो है वो अपनी एफिशिएंसी का 20-25-50% ही काम कर पाते हैं, है ना, 27% के आसपास में कई बार काम करते हैं, और जो बिल जो है लेकर के आते हैं उनको उनको स्क्रूटनी के लिए भी नहीं भेजा जाता पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास में, है ना। पहले जैसे पिछली बार की लोकसभा में 17% बिल्स को सिर्फ भेजा गया था, और इस बार की लोकसभा के अंदर तो 11% को ही भेजा गया। तो धीरे 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 पार्लियामेंट की जो आप कह सकते हो डिग्निटी है वो डाउन होती जा रही है ना। तो ये लगभग हर एक सेशन के अंदर दिखता है कि जैसे सेशन शुरू किया जाता है कोई ना कोई तरह का रकस जो है वो लेकर के आया जाता है, और उसको जो है वो काम में लेकर के अल्टीमेटली काम स्टॉल करने की कोशिश की जाती है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली इससे रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या कहा है, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि भाई जो अडानी ग्रुप के साथ में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जुड़ी हुई है, जो सरकारी कंपनियां जुड़ी हुई है, वो कैसे इतनी जुड़ गई और किस तरह से जो है वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ में इतना ज्यादा जो है लेन देन हुआ है ना, ये चीज ठीक नहीं है। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब होनी चाहिए, यानी कि उसको दिखना चाहिए। अडानी ग्रुप जो है उसने रिसेंटली $107 बिलियन जो है उनका लॉस हो चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर, इतना ज्यादा उनके जो शेयर्स है वो गिर चुके हैं सारी चीजों के, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी कि भाई अडानी ग्रुप जो है उसके ऊपर काफी तरह के इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने उनका जो है वो डेट बहुत ज्यादा है, लिक्विड असेट्स उनके पास में है नहीं, और वो अपने जो अकाउंट्स है उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके दिखाते हैं, स्टॉक मार्केट में भी मैनिपुलेशन करके, और बेसिकली वो लोग फायदा उठा रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, है ना। एक इसके हम लोगों अंदर हम लोगों ने टैक्स हेवंस की भी बात आती है, टैक्स हेवंस और आपके प्रॉफिट शिफ्टिंग की, क्या हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी, क्योंकि मुझे इसके ऊपर याद आ नहीं रहा है। अगर बात नहीं की थी तो हम कर सकते हैं, करी भी है तो फिर वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो बता सकता है हमने टैक्स हेवंस की बात की थी, टैक्स हेवंस होते हैं जिससे कि आप जो है वो पैसा बाहर भेज करके और वापस को व्हाइट में कन्वर्ट करके ला सकते हैं, हमने बात की थी इसके ऊपर। एनीवन, चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है, करी थी फिर ठीक है, करी थी फिर ठीक है, हमने बात करी है, देन इट्स ओके। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है इसको देखते हैं हम लोग। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज बेसिकली क्या होती है कि एक ऐसी एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी मतलब जरूरत पड़ने पर जो कमेटी बनाई जाती है परिस्थिति के अनुसार उसको कहते हैं एडहॉक, है ना। तो एक एडहॉक कमेटी होती है जो कि कोई तरह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काम में आती है, जहां पर कोई फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज के बारे में कोई तरह की बात, है ना। तो ये जो चीज है, ठीक है ना, ये जो चीज है इसको कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी पार्लियामेंट के ही जो लोग हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको लेकर के, और हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, और बेसिकली वो जो कमेटी है वो ये इस चीज की रिसर्च करती है कि भाई सरकार ने जिस तरह का काम किया है या कोई तरह का काम हुआ है उसमें कोई तरह की फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं, कोई घपला तो नहीं किया है, कोई करप्शन तो नहीं किया है, इस तरह की चीजों के लिए बेसिकली आपके ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज बैठती है, ठीक है ना।
इसमें लोकसभा के मेंबर्स जो है वो डबल होते हैं राज्यसभा के मेंबर से। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के पास में फाइनेंस रिलेटेड पावर्स बहुत कम होती है। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनकी पावर राज्यसभा के पास हमेशा कम होगी, है ना। लोकसभा के पास में ज्यादा होगी क्योंकि मनी बिल्स जो है वो भी आपके, उसकी भी पावर जो है वो सारी सारी जो है वो लोकसभा के पास में है, राज्यसभा के पास में उसके पास ज्यादा पावर नहीं। राज्यसभा के पास में सिर्फ वो बिल जाता है 14 डेज के लिए, उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं वो, अगर वो उसका रिकमेंडेशन लोकसभा को अच्छा लगेगा तो वो लेगा वरना नहीं लेगा। 14 डेज के अंदर अगर उन्होंने बिल वापस नहीं दिया तब भी जो है वो बिल पास करा हुआ मान लिया जाएगा अगर लोकसभा ने पास किया है तो। तो राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर्स नहीं रहती है आपके कोई भी तरह के फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, है ना। ये चीज है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है उनको क्या क्या पावर्स होती है, तो सीधी सी चीज है कि भाई जितने भी तरह के ओरल या रिटन एविडेंसेस है उनको देखने की पूरी पावर होती है। कॉन्फिडेंशियल जो है वो बातचीत अपनी कर सकते हैं। इसके साथ में जो है वो स्पीकर जो है उसका फाइनल वर्ड होता है इसके ऊपर कि भाई कौन सा एविडेंस जो है वो मान्य होगा कौन सा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें बेसिकली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज नो बार ऑन कंटेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल। ये देखिए इस चीज को समझिएगा, होता क्या है कि इंडिया के अंदर ये सिचुएशन है कि पहले ये सिचुएशन थी कि भाई एक आदमी जो है वो 3-4 जगहों से एक साथ लड़ सकता है। यानी कि एक आदमी जो है वो एमपी के लिए जो चुनाव है उसके लिए उसने जो है वो वाराणसी से भी भर दिया, उसके बाद में उसने जो है वो इलाहाबाद से भी भर दिया, उसके बाद उसने जयपुर से भी भर दिया, और उसके बाद में फिर उसने भोपाल से भी भर दिया। इन चारों जगहों पर जो है वो खड़ा होगा और चारों जगहों पर एक साथ लड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज पहले थी लेकिन बाद में इस चीज को थोड़ा कम किया, उसको रोका और अल्टीमेटली 2 पर रोक दिया गया कि भाई एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों के ऊपर एक साथ लड़ सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली जब चुनाव हुए थे तो उसके अंदर गांधीनगर से और वाराणसी से, इन दोनों सीटों से जो है वो चुनाव लड़ा था, ठीक है ना। और ऐसे में क्या होता है, कोई दोनों सीटों से आप लड़ते हो, अगर दोनों में जीत जाते हो आप तो कोई एक सीट आपको छोड़नी पड़ती है। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने गांधीनगर की सीट को छोड़ दिया था और वाराणसी की अपनी सीट जो है उसको मेन सीट अपनी माना था, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है कि एक आदमी 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आपके बेसिकली एक जो है वो केस आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये बात बोली गई कि भाई आप जो है वो इस तरह के जो प्रोविजन है जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर सेक्शन 33 जो प्रोविजन है जो कि इस चीज को अलाउ करता है उसको जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टक डाउन कर दे क्योंकि ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि गलत क्यों है, तो उन्होंने कहा साहब देखो इसमें बात ये है कि एक आदमी 2 जगहों से खड़ा होता है सबसे पहली चीज तो वो डेमोक्रेसी को एक तरह से दर्शाता नहीं, क्योंकि जैसे ही वो आदमी जो है वो कोई एक जगह के ऊपर इलेक्ट हो जाएगा उसको दूसरी अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे उस सीट के ऊपर बाय इलेक्शंस होंगे, वापस से इलेक्शंस होंगे, और वो जो बाय इलेक्शन होते हैं अल्टीमेटली सरकार का खर्च ही बढ़ता है उससे, क्योंकि वापस सरकार को सारी चुनावी प्रक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ऐसा जो है ये चीज ठीक नहीं है और इसको बंद करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई ये चीज जो है वो प्योरली पार्लियामेंट के हाथ में है कि पार्लियामेंट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, और हम लोग जो है वो इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते, ये हमारे मैटर ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर की चीज है, ठीक है ना। तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को आगे रखते हुए और अपने ज्यूरिस्डिक्शन को एक लिमिट तक रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे हाथ का नहीं है, ये पॉलिसी का मैटर है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट वर्किंग का मैटर है। तो ऐसा जो है वो जितना पॉसिबल होगा हम इसे दूर रहने की कोशिश करें, ठीक है ना। ऐसा ये जो चीजें हैं उससे रिलेटेड है, ये इसकी न्यूज है। इसका बैकग्राउंड हमने देख लिया, सेक्शन 33(7) ऑफ द आरपीए एक्ट 1951, एक कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 2 सीट से जो है लड़ सकता है ना। मोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर अलाउड अंटिल 1996 व्हेन आरपीए वाज अमेंडेड टू सेट अ कैप ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। और द इलेक्शन कमीशन ने रेकमेंडेड अमेंडिंग सेक्शन 33 सो एज टू अलाउ 1 कैंडिडेट टू कंटेस्ट फ्रॉम ओनली 1 सीट। इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है कि भाई पॉसिबल हो तो एक आदमी एक ही सीट से लड़े, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अल्टीमेटली ये चीजें काम बढ़ाती है सरकार का और आउटपुट इससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज है, इस चीज की रिकमेंडेशन कई बार जो है वो इलेक्शन कमीशन दे चुका है, जैसे 2004 में, 10 में, 16 में और 2018 के अंदर, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं ये आपके इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एंग्विश इन एपी आंध्र प्रदेश ओवर बजट एड टू अपर भद्रा प्रोजेक्ट। देखो हुआ क्या है कि आपके अब अपर भद्रा जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटका के अंदर, देखो 2 रिवर्स है ना, और ये जो 2 रिवर्स है बेसिकली तुंगा और भद्रा, ये जो रिवर है इनका पानी जो है वो घूम करके और उसके बाद में ये जो है वो आपके कर्नाटका से पानी जो है मिल करके और आपके आंध्र प्रदेश में पहुंचता है, ठीक है ना। अब ये जो नदी है टोटली कृष्णा रिवर जो है उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज है,
अब हो क्या रहा है कि भाई ये जो पानी जो है दोनों मिलकर के और पहुंचता है, इस पानी को जो है वो लिफ्ट करके और ऊपर ले जा करके, और बेसिकली कहीं इरिगेशन जहाँ एरियाओं में इरिगेशन नहीं है उन एरियाज में पानी देने के बारे में सोच रहा है कर्नाटका, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश जो है उसको काफी ज्यादा जो है ये चीज गलत लगी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पानी बह करके जो है वो आपके आंध्र प्रदेश आता था, अब आंध्र प्रदेश कम पानी आएगा, तो ऐसे आंध्र प्रदेश ने इसके ऊपर जो है गुस्सा जाहिर किया है। शॉर्ट में अब हम समझते हैं, समझिए कि एक नदी है, जो नदी जो है वो उसमें मान लीजिए 100 लीटर पानी बहता है, वो नदी जो है वो बह करके और कर्नाटक से बहती बहती आंध्र प्रदेश में जाती है, उसके बाद में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब वो जो 100 लीटर पानी उसके अंदर बहता है, तो रिसेंटली क्या किया सरकार ने कि उस 100 में से जो है वो आपके 20 लीटर पानी जो है वो कह दिया कि भाई ये इरिगेशन कैनाल की तरफ जाएगा और इसको लिफ्ट कैनाल बनाएंगे। लिफ्ट कैनाल मतलब पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, और जैसे ही आपको अगर पानी को नीचे से वापस ऊपर लेके जाना है तो आपको उसके लिए अलग मोटर लगवानी पड़ती है, तो उसके लिए पूरा का पूरा जो है वो इरिगेशन सिस्टम लगता है, ठीक है ना। तो वो इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली यहाँ पर लग रहा है आपके कर्नाटका में, ताकि वहाँ पे जो ऊपर एरियाज हैं, ऊंचे एरियाज जहाँ पर पानी की कमी है, उन एरियाज में पानी जो है पहुंचाया जा सके। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो 100 लीटर पानी है उसमें से मान लो 30 लीटर जो है वो इरिगेशन कैनाल से वो लोग ऊपर पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो आंध्र प्रदेश के पास में जो है वो 100 लीटर पहुंचता था कर्नाटका से, अब जो है वो 70 लीटर उसके पास में पहुंचेगा, 70 लीटर्स पहुंचेगा, तो ऐसे 30 लीटर्स का उनको घाटा हो जाएगा। तो ये घाटा हो रहा है इस चीज के लिए उनको जो है बेसिकली उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है कि भाई सरकार ने जो है वो इस तरह का जो अपर भद्रा प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल भी दे दिया, और रिसेंटली जो आपके बजट पेश हुआ उसके अंदर उसके लिए 3500 करोड़ भी, 5300 करोड़ भी उसके लिए डाल दिए, और हमसे पूछा भी नहीं, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा इससे इफेक्ट होंगे, अल्टीमेटली पैसा जो पानी है हमारे एरिया का कम होगा, तो हमसे कम से कम पूछना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आपके अपर भद्रा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर दोनों ने ही जो है वो इशू करा। देखो इंडिया के अंदर जो रिवर्स है वो हमेशा एक इशू रहा है, कंटेंट रहा है, और रिवर्स के ऊपर हमेशा से स्टेट्स आपस में लड़ते रहे हैं। इसका बड़ा रीजन पॉलिटिकल रहता है मोस्टली, और रियल रीजन कम होता है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है उससे काफी ज्यादा रिलेटेड होती है। लोगों को ये लगता है कि भाई पानी हमारा खत्म हो जाएगा, जब कि रियलिटी में हम लोग पानी का पूरा जो है वो यूटिलाइजेशन ही नहीं करते। जैसे मैं कई बार क्लास में बताता हूँ, रिसेंटली एग्जाम्पल था उड़ीसा का, जहाँ पे महाराष्ट्र और उड़ीसा के जो मिनिस्टर थे वो एक रिवर के ऊपर काफी लड़ पड़े कि भाई ये रिवर जो है वो हमारी है और हमारे हम कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह। अब उस रिवर में से 100 MHC जो है पानी था, ठीक है ना, और वो जो रिवर है उसके अंदर वो लोग जो है तकरीबन 250 के आसपास जो है वो 250 के आसपास जो TM पानी है उसके लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना, जबकि उसके उस रिवर के अंदर 450 TM जो पानी है वो तो खाली समुद्र के अंदर ऐसे ही जा रहा था, उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग पानी का जो है उसका तो इस्तेमाल करते नहीं है, और कौन ने किसको कितना दे दिया, 5-6 भी ऊपर नीचे हो जाते तो आप लोग इशू करते हैं। तो मेजरली क्या है, पॉलिटिकल ज्यादा होता है और रियलिटी के अंदर ये चीजें कम होती है, ये चीज बेसिकली इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपर भद्रा, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है ना, माइक्रो इरिगेशन ड्रॉट प्रोन एरिया चित्रकूट, चिकमंगलूर, दावेग नगरी और तुमकुरु, इन एरियाज को बेसिकली ये पानी देगा, ठीक है ना। और बेसिकली विषेवरिया जल निगम जो है वो इसको ये कर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो पानी को लिफ्ट किया जाएगा तुंगा और भद्रा से, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज के अंदर ये जो है वो लिफ्ट करेगा भाड़सा रिजर्वायर से। ज्यादा आपको डीप में इसको समझना नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम याद करना है, ठीक है ना। वाटर विल बी प्रोवाइड थ्रू ग्रेविटी कैनाल इन तुंगभद्रा सब बेसिन ऑफ कृष्णा बेसिन, ठीक है ना। ये चीज शॉर्ट फॉर साइंस, ये हमने जो कल बजट देखा था उसी के अंदर से वापस यहाँ पर आए। इनका कहना है कि भाई सरकार ने इस बार जो है वो साइंस के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्ट्री है उसका बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि तो काफी अच्छी चीज है देश के लिए कि भाई इस तरह से जो बजट बढ़ाया गया है उससे काफी ज्यादा फायदा जो है वो देश को मिलेगा। अल्टीमेटली रिसर्च पर ही जो है वो देश टिका हुआ होता है, जितनी अच्छी रिसर्च देश की होती है उतना ही अच्छा जो है वो बेसिकली देश के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मैं क्लास में बताता हूँ और ऑनलाइन में मैंने बता रखा है ना, कि भाई रिसर्च की जो कीमत होती है देश को बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे मैं जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, होता क्या है कि आपके अर्थ के आसपास में जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ पर जो है वो लोग जो है वो रिसर्च करते हैं। स्पेस के अंदर बेसिकली सैटेलाइट्स होती है, उनके अंदर जो है वो बैठ के वो रिसर्च करते हैं। अब वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर वो लोग कई बार लोगों से भी पूछते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तो ऐसे में एक बार क्या हुआ कि वहां पर एक छोटी बच्ची ने जो है बेसिकली क्वेश्चन पूछा वहां पर कि सर मैं
अर्थ के ऊपर जब कैंडल लाइट करती हूँ तो कैंडल येलो कलर की होती है, उसकी फ्लेम ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन यही क्या चीज हम लोग अगर बिना ग्रेविटी के अगर स्पेस के अंदर चीज करेंगे तो क्या ये वहां पर भी ये चीज होगी? तो उन सबका दिमाग जो है वो घुमा, उनका भी ये क्वेश्चन तो अच्छा आया है, इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो ऐसा बिना ग्रेविटी के उस एरिया में उन लोगों ने रिसर्च करी और काफी ज्यादा शॉक हुए वो रिसर्च का जब रिजल्ट आया। उनको ये चीज देखने को मिली कि जब उन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी एक एरिया के अंदर और वहां पर कैंडल लाइट करने की कोशिश करी, तो सबसे पहले तो कैंडल की जो फ्लेम थी वो गोल आई, है ना, हमारे यहाँ पे तो अलग तरह की आती है ना, वो गोल कलर की फ्लेम आई, और सेकेंडली वो ब्लू कलर की थी। ये देखो इसमें बहुत बड़ी चीज है, अगर कोई चीज येलो कलर की होती तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा उसका मतलब होता है अनकम्प्लीट कम्बशन, अगर ब्लू फ्लेम होती है तो मतलब होता है कम्प्लीट कम्बशन, यानी फ्यूल पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूल वेस्ट नहीं हो रहा। वो जो चीज थी उसके बेस के ऊपर कई सारे रिसर्चेस हुए और फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जिसके कारण जो आजकल फ्यूल एफिशिएंट कार्स आई है उसका बड़ा रीजन वो बना। तो आप समझ रहे हो कि रिसर्च अगर जितनी ज्यादा अच्छी से अच्छी होगी उतना ज्यादा रिजल्ट जो है वो आपको देश के अंदर मिलेगा। इवन आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जिस कारण इंडिया जो है वो एक समय के ड्रॉट और भुखमरी की सिचुएशन से निकल करके आज जो है वो लगभग दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर में से एक बन चुका है वीट का, है ना। तो वो सारी चीजें क्यों हो पाई? क्योंकि HYV सीड्स जो है उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया जो कि एक रिसर्च का आउटपुट था। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्या बताती है कि भाई जितना अच्छा आपका रिसर्च वर्क होगा उतना ज्यादा अच्छा आपका देश ग्रो करेगा। तो इनका ये कहना है कि भाई ये जो अच्छा आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, ज्यादा पैसा डाला है रिसर्च में, ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है ना। इसके अंदर जैसे इनका ये कहना है कि भाई गवर्नमेंट का भी ध्यान जो है वो डीप ओशन मिशन के अंदर है। डीप ओशन मिशन आपने समुद्र यान के बारे में सुना होगा, है ना, कि भाई एक बहुत छोटी सबमरीन बनाई गई है जिसको एकदम अर्थ के नीचे तक जाएगी, आपके बेसिकली ओशन के नीचे तक, और वहां पर जो है वो चीजों को चेक करेगी, है ना, रिसर्च करेगी कि भाई क्या क्या और चीजें जो है वो समुद्र से देखी जा सकती है, ली जा सकती है। इसके अंदर काफी ज्यादा जो है देखिए जो आपके सी का एरिया है, ओशन का एरिया है, उसमें काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो इंडियन ओशन का जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो तकरीबन 20 से 25 सालों के लिए या शायद 10 से 15 सालों के लिए जो है वो अनक्लॉज ने इंडिया को दिया है कि वो इस एरिया के अंदर जो है वो रिसर्च कर सकता है और कोई भी तरह की रिसोर्सेज मिले तो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब हो क्या रहा है कि ये जो इंडियन ओशन का एरिया है इसके अंदर एक चीज मिलती है जिसको कहते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ये छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं जो कि आपके जो समुद्र है उसके जो जमीन है, जो समझ लीजिए उसके नीचे जो लैंड है उसके ऊपर जो है वो मिलते हैं ये पत्थर। और इस पत्थर के अंदर इतने तरह के मिनरल्स होते हैं, इतने तरह की चीजें होती है, इवन लिथियम भी इसके अंदर मिलता है जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये आपके जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वगैरह ये सारे के सारे वहां मिलते हैं, लेकिन आज की डेट में ये तकरीबन अनक्लॉज ने इंडिया को आज से 10-15 साल पहले दिया था, है ना, ये पूरा एरिया एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन आज की डेट तक भी इंडिया ने जो है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को निकालना शुरू नहीं किया है, ना उसके लिए कोई भी तरह की टेक्नोलॉजी को आगे करा है, ना ही वर्ल्ड के अंदर हम लोग गए हैं इस चीज के लिए। तो बेसिकली हम हमारी अपॉर्चुनिटीज को खो रहे हैं इस रूप में। तो ये चीजें ना हो इसलिए इस तरह के मिशन शुरू किए जाते हैं, डीप ओशन मिशन, जहाँ पर हम लोग जो है वो ये चीजें देखते हैं कि और क्या क्या समुद्र के तल में मिलता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आउटपुट दे सकता है ना। ये चीज नॉर्मली जो देश होते हैं दूसरे उनके अंदर जो रिसर्च है उसके अंदर 2 से 3% जो है वो उनके जीडीपी का लगाया जाता है, जबकि इंडिया में देखिए तो 0.7% को भी हम लोग क्रॉस करके 1% तक पहुंच जाए तो भी बड़ी बात है, हम इतना पैसा भी रिसर्च वर्क में नहीं लगाते हैं इंडिया के अंदर। और तीसरी चीज जो इसमें देखने को मिली है, इनका कहना है कि भाई जो जो लोग रिसर्च करते हैं उनका बहुत संघर्ष करना पड़ता है और खुद से ही सारा काम करना पड़ता है, सरकार की तरफ से कोई खास हेल्प मिलती नहीं है ना। और ये चीज जो है वो ये जो ढर्रा बना रखा है भारत के अंदर इस चीज का कि भी रिसर्च करने वालों की जो दिक्कतें बढ़ती है, ये बेसिकली देश को और ज्यादा खराब करने की सिचुएशन बन रही है ना। ट्रेडिंग मोर विद द एशियन मेक्स इकोनॉमिक सेंस, ये बेसिकली क्या है आपकी, इनका ये कहना है कि भाई IMF ने अभी ये बात बोली है कि भाई इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर अभी जो है सिचुएशन डिप्रेशन या फिर रिसेशन की तरफ जा रही है ना, यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो काफी गिरने वाली सिचुएशन में है क्योंकि COVID-19 है, उसके बाद में रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, ये सारी चीजें जो है वो अल्टीमेटली गलत दिशा के अंदर जो है वो पूरे देश दुनिया को लेकर के जा रही है। तो IMF ने उस रिपोर्ट के साथ में एक रिपोर्ट ये भी दी है जिसमें लिखा हुआ है साउथ एशिया पाथ टू रेजिलियंट ग्रोथ, है ना, कि साउथ एशिया किस तरह से रेजिलियंट ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है ना। तो उनमें इनका कहना है कि साउथ एशिया जो है यानी इंडिया जिस एरिया में है और हमारे आसपास का एरिया,
ये एरिया जो इसके पास में काफी पॉपुलेशन है, काफी यूथ है, तो ऐसा अगर ये चाहे तो अपने एरिया को काफी ज्यादा ग्रो करवा सकता है और इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा ट्रेडिंग हो सकती है। ये एरिया अपने आसपास के एरिया जैसे फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे सिंगापुर है, फिलीपींस है, या फिर आपके मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इनसे हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो इन लोगों के साथ में हमारा कल्चर भी काफी मैच करता है और काफी चीजें उसके साथ मिली भी है। ऐसा हम लोग अगर ईस्ट एशिया के साथ में अच्छा कोलैबोरेट करते हैं तो IMF का ये मानना है कि भाई बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेडिंग जो है वो वर्ल्ड के अंदर साउथ एशिया बना सकता है और उस इस डिप्रेशन के होने के बावजूद हम लोग एक अच्छी सिचुएशन के साथ में जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं। एक तीसरी चीज जो इनका कहना है, इन्होंने कई सारी चीजें बताई है कि जो चीजें जो है अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो काफी ज्यादा फायदा जो है वो देश को होगा, है ना। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बताई है वो है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो देशों के बीच में हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, किसी को पता है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर आपकी RCEP, कॉमन मार्केट क्या होता है, फिस्कल यूनियन क्या होता है, एनीवन, ये सारी चीजें क्या है? फिस्कल यूनियन किसे कहते हैं, बाकी के जो आपके इकोनॉमिक यूनियन किसे कहते हैं, कस्टम यूनियन किसको कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड होता है, एनीवन वो बता सकता है क्या चीज है? इनका कहना है कि भाई साउथ एशिया के अंदर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाएंगे अच्छे से और ज्यादा थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ेगा तो काफी ज्यादा हम लोग जो है वो डिप्रेशन या इस सब चीजों से जो है बच सकते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भाई ये चीजें होती क्या है, FTA है या कस्टम यूनियन है या इकोनॉमिक यूनियन है, फिस्कल यूनियन है, क्या चीजें हैं ये सब बताइए। FTAs to reduce barriers to import and export. Trade in which custom duty levied products is very low or nil. चलिए ठीक है, सुनिए आप लोग, अब थोड़ा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ये, इसको भी समझे। देखो होता क्या है कि देश धीरे धीरे अपने एक दूसरे के पास में आते हैं, है ना, और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं क्लास में कई बार बताता हूँ, एक इसमें शायरी आती है कि भाई आप से तुम हुए और तुम से उनवा हो गए, है ना, यानी कि पहले आप कहते थे फिर तुम पे आए और फिर खुद ने किसी का नाम रख दिया, नाम रख दिया है कितने करीब आ गए। तो यही सेम चीज इकोनॉमिक्स में होती है, कैसे होती है कि सबसे पहले आप देशों में आपस में मिलते हैं तो FTA होता है। FTA का मतलब क्या है कि भाई कुछ एक चीजों के ऊपर मैं ड्यूटी नहीं लगाऊंगा, उन्हीं चीजों पर तुम भी ड्यूटी मत लगाना, दोनों में आप अच्छा ट्रेड अपन लोग करते हैं। तो वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि भाई कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कोई तरह का टैक्स हम लोग आपस में नहीं लगाएंगे। थोड़ा वो लोग और ऊपर उठते हैं तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, सीपा, आपने सुना होगा, सीका सीपा, है ना। ये होते हैं जिसके अंदर सारे ही तरह के गुड्स और सर्विसेज जो उनको ले लिए जाते हैं लगभग, और उनमें लगभग एरिया के अंदर कोई भी तरह का ट्रेड, कोई भी तरह का टैक्सेस नहीं लगाया जाता है ना। तो ये आपका फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो जाता है। थोड़ा इसको और ऊपर लेते हैं तो फिर कस्टम यूनियन होता है। कस्टम यूनियन का मतलब क्या है कि भाई हम जितने देश हैं कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रखा है, अब हम लोग हमारे लेवल को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, अब हमसे कोई भी तरह का देश दूसरा अगर कोई भी तरह का ट्रेड करना चाहता है तो हम सभी एक ही तरह की कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, और कोई भी देश आएगा तो उन सबके ऊपर एक तरह की कस्टम ड्यूटी जो है वो हमेशा लगेगी, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, कस्टम यूनियन, वो और ज्यादा ऊपर उठ जाता है और कस्टम यूनियन की तरफ चला जाता है कि भाई इनके साथ में ट्रेड करना है तो एक ही जगह की एक ही तरह की कस्टम ड्यूटी वो सबके साथ में लगेगी, ठीक है ना। थोड़ा और ऊपर जाता है तो फिर इकोनॉमिक यूनियन आ जाता है। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर क्या होता है कि इन देशों के बीच में बैरियर हट जाता है, और बैरियर इतना ज्यादा हट जाता है देशों के बीच में कि वो फ्रीली जो है वो एक से दूसरे एरिया के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसे अगर साउथ एशिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो एक आदमी आराम से जो है वो अपना ट्रक लेकर के पाकिस्तान जाकर के अपनी चीज बेच करके वापस आ सकता है, और सेम इसी तरह से म्यांमार जाकर के भी आ सकता है और श्रीलंका जाकर के भी आ सकता है। तो ये चीज है ना, तो ये क्या चीज है, इकोनॉमिक यूनियन। फिर इसका लेवल एक और ऊपर बढ़ जाता है तो वो होता है फिस्कल यूनियन। फिस्कल यूनियन का मतलब इन देशों की करेंसी भी एक ही हो जाती है, और सारे देश जो है वो एक ही करेंसी के हिसाब से चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप, यूरोप के अंदर जो आपका यूरोपियन यूनियन है ना, उसके अंदर फिस्कल यूनियन है जिसका आपका करेंसी है यूरो, है ना। तो 19 देश इस करेंसी के अंदर जो है मेंबर है, तो इन देशों के बीच में जो है वो ट्रेडिंग भी आपस में बहुत इजीली हो सकती है, वो पूरा पूरा एक सिंगल मार्केट ही है, ठीक है ना, और एक ही उनकी करेंसी है यूरो,
वो यूरो इतनी पावरफुल है कि उसकी कॉस्ट जो है, उसकी वैल्यू जो है, वो डॉलर से भी ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि वो सबका कलेक्टिव जो है वो आपका राइट है। तो ये आपके जो है बेसिकली स्टेजेस होती है इकोनॉमिक यूनिटी की, है ना, आपसे तुम हुए और तुमसे उनवा हो गए, तो ऐसा ये आपके एफटीए। तो इनका कहना है कि साउथ एशिया के अंदर एफटीए जो है वो होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट में कहा था कि भाई साउथ एशियन एरियाज के अंदर सिर्फ 5% के आसपास में जो है वो आपके यूनियन है, यानी कि बहुत कम कोलेबोरेशन देशों के बीच में देखने को मिलता है ना। तो ये जो कोलेबोरेशन है इसको बढ़ाया जाना चाहिए, एफटीए बढ़ना चाहिए, है ना। सेकेंड चीज इन्होंने जो बताई है वो है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उनको बढ़ाया जाना चाहिए, उनको और ज्यादा सही तरीके से काम करवाना चाहिए और पूरे साउथ एशिया में अच्छे से इनका वर्किंग होनी चाहिए। मेरे कोई बता सकता है कि ये SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? एनीवन, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या चीज है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या चीज है, किससे रिलेटेड है और क्यों ये इकोनॉमिक्स में इतना सेंस रखती है चीज? एनीवन, नो आइडिया। अरे सुनिए आप, इसमें क्या होता है बेसिकली, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एरियाज देश के अंदर बना दिए जिनको ये माना गया, इकोनॉमिक रूप से उनको ये माना गया कि भाई ये हमारे टेरिटरी के नहीं है, इंडिया के टेरिटरी के नहीं है, और इंडिया के अंदर कोई भी माल उसके अंदर से आता है तो ये समझ लिया जाता है कि भाई ये इंडिया के अंदर इम्पोर्ट हुआ है ना। और वहां से कोई चीज जो है वो अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती है तो समझा जाता है कि भाई एक्सपोर्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, रियलिटी में नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए ये चीज समझी जाती है। तो ऐसा चीज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं इसके अंदर टैक्सेस भी नहीं लगते, ठीक है ना, कंसेशन चीजें बहुत ज्यादा मिलती है, जो नॉर्मली सरकार अगर रोड का या फिर आपकी बिजली का पानी का जो बिल नॉर्मल एरियाज में होता है उसे काफी ज्यादा कम बिल जो है वो आपके इन एरियाज के अंदर देना पड़ता है। ऐसा ये जो चीजें हैं इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा जोन जो कि जिसको केवल इकोनॉमिक्स अच्छी बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़ सके, उस चीज के लिए बनाया गया है ना। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इस तरह का आइडिया जो है बेसिकली चाइना का था, और चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की करी इस तरह के जोन बना करके, और आज की डेट में चाइना जो सुपर पावर है जो बनने की तरफ जा रहा है, उसका एक बड़ा रीजन ये का है कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का काफी ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन जो है उन्होंने किया। इंडिया ने भी जो है वो चाइना की सक्सेस देख करके इंडिया में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, लेकिन हमने उतना ज्यादा सक्सेसफुल इंडिया में ये चीज नहीं रही, है ना, हालांकि सक्सेसफुल रही है पर इतनी ज्यादा जो है वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रही है ना। काफी सारे उसमें रीजंस रह गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज रह गई, जिस कारण से ओवरऑल हमारा SEZ जो है वो वर्किंग सही नहीं हुई। लेकिन इनका कहना है कि अगर और हम लोग इस तरह से काम करेंगे अच्छे से तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद हम लोग जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। जैसे रिसेंटली अब सरकार जो है वो आपके देश बिल लेकर के आई, DESH, ये देश बिल बेसिकली आपके ये जो बेसिकली देश बिल है ये किस चीज के लिए है? ये देश बिल होता है आपके किसी जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके अंदर उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, भारत सरकार जो है वो उनको कन्वर्ट करके और बेसिकली देश के अंदर बना रही है ना। देश का फुल फॉर्म जो है वो अलग है। तो ऐसा इसके अंदर क्या हो रहा है कि और ज्यादा लिबर्टीज स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाएगी। पहले स्टेट गवर्नमेंट को इतनी लिबर्टी नहीं थी SEZ से रिलेटेड, है ना, तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे SEZ के काम में। अब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी काफी लिबर्टी दी जाएगी कि भाई इस तरह से जो है वो आप जो है वो SEZ का काम कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें कर सकते हैं। SEZ को रिपीट करें, तो SEZ को हम लोग रिपीट कर लेते हैं, इस चीज को समझिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया के अंदर मान लीजिए कोई एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है। अब नॉर्मली वो फैक्ट्री जो है उसको जैसे वो कोई प्रोडक्ट बनाएगी बेचेगी तो क्या होगा, उस फैक्ट्री को जो है वो टैक्स भी देना पड़ेगा, उस फैक्ट्री को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देना पड़ेगा। सेकेंडली, उस एरिया के अंदर जो है वो रोडें सही से बनी हुई है या नहीं, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आती है या नहीं, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसा क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो है वो देश के अंदर फ्लरिश सही से नहीं कर पाती, क्योंकि कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के रिलेटेड बॉटलनेक्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो बनी भी रहती हैं। तो
इस तरह से इंडस्ट्रीज को कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छे से काम कर सके, उसलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एक एरिया को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर का एक एरिया ले लिया और उसके अंदर बहुत अच्छी वेल फर्निश्ड रोड्स दे दी और पास में ही उसके जो है वो समुद्र का पोर्ट दे दिया, वो भी पूरी तरीके से डेवलप होकर के, ठीक है ना। और इस पूरे एरिया को अच्छी सी इलेक्ट्रिसिटी देती है जो कि 24 आवर्स अवेलेबल है, 24 आवर्स यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, हर एक फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। और उसके बाद में इस 10 किलोमीटर के एरिया को ये समझ लिया, मान लिया कि ये एरिया जो है वो इंडिया की जो मुख्य टेरिटरी है उसका एरिया नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में हो, इसको पॉलिटिकल सेंस में नहीं है, इकोनॉमिक सेंस में हम लोगों ने ये माना कि भाई ये एरिया जो है वो इंडिया का इकोनॉमिक एरिया के अंदर, इंडिया के इकोनॉमिक एरिया में नहीं आता। तो ऐसा क्या होगा कि भारत सरकार जो है वो अब यहाँ से कोई भी तरह का टैक्स कलेक्ट नहीं करती। तो होगा क्या कि सारी इंडस्ट्री सोचेगी भाई ये सारी ये जगह ठीक है, इसके ऊपर सारी सुविधाएं भी अवेलेबल है और यहाँ पर जो है वो कोई भी तरह का टैक्स भी नहीं लगता, ठीक है ना। तो हम लोग आसानी से यहाँ पर अपना माल बना सकते हैं, यहाँ से अपना माल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो है देश के अंदर भी माल भेज सकते हैं बेचने के लिए, हमारे कॉस्ट बहुत कम लगेगी और काफी अच्छा आउटपुट जो है वो हमें मिलेगा। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स बढ़ती है, जीडीपी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी जो स्टेट जो है वो आपके जीडीपी में भयंकर कंट्रीब्यूशन जो है वो एसईजेड का होता है, क्योंकि बहुत सारी जो आपके बिजनेसेस है बड़े बड़े वो सारे के सारे यहाँ पर आके फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जो इंडिया के अंदर जो है वो कई सारी जगहों पर इस तरह के एसईजेड बनाए गए, जैसे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, छोटे छोटे एरिया जिनको सारी तरह की फैसिलिटी दे करके और बहुत कोशिश की जाती है कि वो वहाँ वो इकोनॉमिक्स में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे, एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे इंडिया के, है ना। ऐसा जो है इस तरह की जो चीजें हैं ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो इनका कहना है कि भाई अगर साउथ एशिया को अच्छे से ग्रो करना है तो अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें हैं उसी कारण से जो है बेसिकली इंडिया का जो एसईजेड है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा चाइना जैसे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो है वो आपके एसईजेड की है, जो इनका कहना है कि एसईजेड को और ज्यादा अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट जो है वो देश में देखने को मिलता है ना। इंडिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो 1965 में बना, एसईजेड जो है 2000 के अंदर आया है, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट पास किया 2005 के अंदर, ठीक है ना, ऑपरेशनल हुए 2000 से 2006 के बीच में, है ना। प्रेजेंटली 379 एसईजेड नोटिफाइड है, एग्जैक्टली तो ये फिगर 800 को भी क्रॉस करता है ना। ये चीज है सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर, इसको बोर्ड कौन अप्रूव करता है तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर वो है। के ऊपर कमेटी कौन सी बनी हुई है तो बाबा कल्याणी कमेटी, इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट चीज इनका कहना है कि वो है आरसीईपी की वर्किंग को बढ़ाना चाहिए, आरसीईपी को बेटर जो है वर्किंग, बेटर कोलैबोरेशन आरसीईपी में देखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये आरसीईपी है क्या, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या चीज है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली एशियन जो कंट्रीज है आसपास की उनको कोलैबोरेट करने की बात है। ये कंट्रीज है देखिए, ये बेसिकली आपके ऑस्ट्रेलिया है, ये आपके आपके सारी एशियन कंट्रीज है, ठीक है ना, और इनके साथ में आपकी ये चाइना है, चाइना के अलावा इसके अंदर साउथ कोरिया और जापान ये भी मिले हुए हैं, और इस साइड में आपके बेसिकली न्यूजीलैंड भी जो है वो इसमें मिला हुआ है, ठीक है ना। बेसिकली इसके अंदर ये जो 10 एशियन कंट्रीज है वो सारी इसके अंदर मेंबर्स हैं, और इसके अलावा जो है वो आपकी चाइना, जापान और नॉर्थ साउथ कोरिया आपके ऊपर के हिस्से की है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो इसके एशियान के नीचे के हिस्से की है। ये सारे मिलकर के बेसिकली ग्रुपिंग बना रहे हैं जिसके अंदर ये कॉमन मार्केट की तरह बनाएंगे कि भाई इनमें आपस में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, जिससे कि सबके बीच में जो है वो कोई भी तरह का टैक्स जो है वो आपस में नहीं लगेगा। पहले इस आरसीईपी के अंदर जो है वो इंडिया भी एक मेंबर था, है ना, इंडिया भी इसका मेंबर बन रहा था, लेकिन हुआ क्या कि इसका जब लास्ट लाइन ऑफ नेगोशिएशन चल रहा था, लास्ट जो नेगोशिएशन की जिसकी राउंड चल रही थी उसमें इंडिया ने जो है वो इससे बाहर निकल गया, है ना। इंडिया इससे बाहर क्यों निकला उसके अंदर इनका ही कहना है, जो एडिटोरियल है एडिटर है उनका ही कहना है कि आरसीईपी में इंडिया को जाना चाहिए और बाकी देशों को भी जाना चाहिए, क्योंकि इन इस तरह की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर इंडिया एंटर होता है तो अल्टीमेटली हमें बहुत बड़ा मार्केट मिलता है जिसको हम लोग जो है वो अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं और काफी ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो देश की बढ़ सकती है। पर एक दूसरे लेवल से भी इस चीज को देखा जाए, क्योंकि इंडिया ने इसको जो छोड़ा है उसके भी रीजन काफी ज्यादा सॉलिड है ना, उसको देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। उसका एक्चुअल रीजन बेसिकली क्या है कि भाई आरसीईपी के अंदर जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा,
और इंडिया अगर इस फ्री ट्रेड के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि चाइना भी इसका मेंबर है, तो चाइना से सारा का सारा माल जो है, सारा का सारा गुड्स जो है, वो सारे के सारे जो है वो इंडिया में वो डंप कर सकता है। आज की डेट में भी हम लोग जो है वो काफी कोशिश करते हैं कि भाई चाइनीज माल हमारे यहाँ पे डंप ना हो, इसलिए कई तरह की कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं, चीजें लगाते हैं कई सारी, उसके बावजूद भी हम हमारे डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको बचा नहीं पा रहे हैं, है ना। डोमेस्टिक जो हमारे बिजनेसमैन है वो जो कि कम प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग बचा नहीं पाते। और ऐसे में अगर आप जो है वो एकदम फ्री खुला छोड़ दोगे कि भाई चाइनीज जो है वो एकदम फ्रीली इंडिया के अंदर आकर के अपनी जो चीजें हैं उसको बेच सकते हैं, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई हालत खराब हो जाएगी इंडिया के ट्रेडर्स, है ना, एक चीज। सेकेंडली, इंडिया जितने भी देशों के साथ में एफटी आज तक किया है तो उसके अंदर नॉर्मली जो है वो सामने वाले देश को फायदा हुआ है, हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ, है ना, हमारा कोई बिजनेस या एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं है। तो इस हिस्ट्री से भी ये चीज देखने को मिलती है कि भाई इंडिया आरसीईपी का मेंबर बनेगा तो इन देशों को इंडिया से ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना। बाकी हमारा फायदा इनसे होगा या नहीं होगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तीसरी चीज जो बोली जाती है वो ये है कि भाई सर्विसेज के अंदर जो ट्रेड है वो आरसीईपी नहीं कर रहा, सिर्फ गुड्स के अंदर कर रहा है, जबकि इंडिया जो है वो सर्विसेज में ज्यादा बेटर पड़ता है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो इंडिया ने इनको बोला भाई आप सर्विसेज में भी करो, तो इन देशों ने मना कर दिया कि भाई सर्विसेज में तो हम नहीं करेंगे, हम लोग बेटर नहीं है। तो इंडियन का भाई ये क्या चीज हुई, भाई मैं तो गुड्स के अंदर अच्छा नहीं हूँ उसके बावजूद भी मैं इसके अंदर एंटर करूँ, और आप सर्विसेज में नहीं है अच्छे हैं इसलिए आप एंटर नहीं करोगे, है ना, तो ये चीज तो ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजों के कारण अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो इंडिया है उन्होंने ये बात बोल दी कि भाई आप लोग अपना एग्रीमेंट कर लीजिए और हम लोग जो है वो ये एग्रीमेंट के अंदर एंटर नहीं होंगे। तो ऐसा इसलिए इंडिया ने छोड़ा था, लेकिन इनका ये कहना है एडिटर का कि भाई आरसीपी के अंदर कुछ चेंजेस करने के साथ में और आरसीपी के अंदर मेंबर बनना चाहिए, तभी इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज आपस में और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, है ना, ये चीज है। एक तीसरी चीज जो उन्होंने कही है वो है बिम्सटेक। बिम्सटेक बेसिकली क्या है, आपकी बे ऑफ बंगाल को जो है वो आपके और ज्यादा अच्छे से ट्रेड कैसे करवाया जा सके उसके लिए ग्रुपिंग बनी हुई है ना, 7 मेंबर्स है इसके अंदर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये है बिम्सटेक। बिम्सटेक के अंदर बेसिकली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने भी देश है ना, ये सारे के सारे जो है बिम्सटेक के मेंबर। हुआ क्या था, इस चीज को समझिएगा, सबसे पहले बिम्सटेक से पहले आ गया था सार्क, है ना। सार्क के अंदर बेसिकली क्या है कि आपके पाकिस्तान भी मेंबर है और आपके इसके ऊपर जो अफगानिस्तान है ये भी इसका मेंबर था, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है, पाकिस्तान का और इंडिया का जैसे आपको पता है कितने मधुर संबंध है हमारे आपस में, ठीक है ना। तो सार्क की 2014 के बाद में कोई मीटिंग ही नहीं हुई, है ना। तो ऐसे पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब ही है तो उसको इतना सोच नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो इस एरिया के अंदर डोमिनेशन रखना चाहता है और इंडिया जो है वो उस पूरे एरिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया जो है उन्होंने ये बात बोली कि भाई हम लोग साथ तो सही से चल नहीं रहा है तो क्या इसका अल्टरनेटिव निकाले। तो ऐसा हम लोगों ने बिम्सटेक जो है उसको इसका अल्टरनेटिव इधर लिया कि भाई और बाकी जितने भी देश है उन सबको साथ में ले लिया, ठीक है ना, और एक अलग ही ग्रुपिंग जो है वो इस एरिया की बना ली जिसका नाम रखते हैं बिम्सटेक। आज की डेट में सार्क जो है वो काफी ज्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि मतलब कुछ काम नहीं आ रहा है सार्क, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों ही जो है वो एक बातचीत करने के लिए एग्री नहीं है, तो इसलिए काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे जिसका जो ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स आपके बिम्सटेक है उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो काम आ रहा है और काफी ज्यादा इफेक्टिव जो है वो बिम्सटेक माना जा रहा है कि भाई इंडिया और आसपास के जो देश है छोटे उनसे मिलकर के हम काफी ज्यादा अच्छे तरीके की सिचुएशन देश के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बिम्सटेक है। तो इनका ये कहना है कि भाई ये सारे तरीके की चीजें जो है कि आप भी बिम्सटेक के अंदर भी कोलैबोरेट कर लो, वहां से भी एफटीए कर लो, आरसीईपी जो है उसके भी मेंबर बन जाए इंडिया और उसके साथ में कोलैबोरेट करना शुरू कर दिए, एफटीए सब जगह पे पॉसिबल हो। ये सारी चीजें बेसिकली अगर पॉसिबल हो तो हम लोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके अंदर फायर एंड आइस। देखो लद्दाख के अंदर जो लोग हैं उन्होंने काफी ज्यादा इश्यूज किए, लद्दाख के अंदर जो लोग हैं उन्होंने ये बात कही है कि भाई हमारे ऊपर जो हमें हमने आपसे जो डिमांड करी है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे काफी ज्यादा इश्यूज जो है वो लद्दाख में हो रहे हैं। देखो लद्दाख का बैकग्राउंड क्या है, हमने पहले भी देख रखा है कि भाई लद्दाख जो है वो एक ऐसा एरिया था जो पहले जो था वो जम्मू एंड कश्मीर में आता था, उसके बाद में जो उसको अलग यूटी बना दिया, यूनियन टेरेटरी बना दिया, तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में तो है लेकिन वहां पर कोई भी तरह का चुनाव नहीं हो रहा है सही से, है ना, और वहां का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां की ब्यूरोक्रेसी संभालती है।
और ये चीज जो है वो काफी ज्यादा गलत लगती है ना, क्योंकि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो वहां के लोगों के बारे में सब कुछ सुन नहीं रही। ब्यूरोक्रेसी मतलब आईआरएस ऑफिसर्स है ना, आईएएस ऑफिसर जो है वो सारा काम कर रहे हैं, और कोई इलेक्टेड है ही नहीं, कोई इलेक्टेड हेड हो वो हमें संभाले तो मतलब ही हमारा कोई आदमी है ही नहीं जो हमें संभाल रहा है। तो ऐसा जो वहाँ पे काफी ज्यादा विरोध जो है वो इस चीज का हो रहा है ना। इन्होंने ये भी कहा था कि हमें सिक्स शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर डालना चाहिए। देखो सिक्स शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो चार स्टेट्स हैं उनको डाला गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पिछड़े हुए ट्राइब्स है ना, और उनको जो है वो अपनी एक प्राइवेसी मिल सके, उनको उनके वो अंदर कोई इंटरफेयर ना करे, वो बहुत ज्यादा अच्छे से रह सके अपने जीवन को, इसलिए जो है वो सिक्स शेड्यूल है। तो हुआ क्या, ये जो सिक्स शेड्यूल है उसके अंदर भी डालने की, लद्दाख को डालने की मांग वहां के लोग कर रहे हैं कि हमें भी जो है इंडिपेंडेंट रखे, ऑटोनोमस काउंसिल दे, जिस तरह की सिक्स शेड्यूल को मिलती है ना, ये सारी चीजें बेसिकली उनका डिमांड है। पर सिक्स शेड्यूल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सिक्स शेड्यूल जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए ही है ना, और कोई तरह के स्टेट के लिए सिक्स शेड्यूल जो है वो नहीं है जिसके उसको डाला जा सके। नॉर्मली जो सिक्स शेड्यूल है उसके अंदर जो है वो नॉर्मल जो सिक्स शेड्यूल है उसके अंदर बेसिकली आपके आसाम का एरिया है, मेघालय का एरिया है, आपके त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार स्टेट है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं वो उससे रिलेटेड है, और इस तरह की चीजें जो है बेसिकली इनका कहना है कि भाई आप लोग हमें सिक्स शेड्यूल के अंदर डालें ताकि हम लोग को और ज्यादा प्राइवेसी मिले और हम लोग अच्छे से जो है खुद का एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही कर सके, है ना। सेंटर को भी काफी ज्यादा इसके ऊपर इशू हो रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े जो लोग हैं जो इस एरिया से रिलेटेड है उन्होंने भी काफी जो है क्वेश्चन इस एरिया पे उठाए हैं, ठीक है ना। सेंटर ने रिसेंटली जो है वो नित्यानंद राय जो है उनकी कमेटी बनाई थी जो कि इसके ऊपर देखे, पर उन कमेटी को ज्यादा जो है वो आपने पावर्स भी नहीं दी कि वो ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेट या और कुछ कर सके। तो ऐसा इस एरिया के अंदर और ज्यादा काम होना चाहिए, ये बात इसमें लिखी हुई। शुड द गवर्नमेंट पुट द व्हाइट पेपर ऑन लद्दाख। देखो हुआ क्या है कि लद्दाख के अंदर रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि भाई 65 पेट्रोलिंग स्टेशन में से 25 जो है वो इंडिया ने उसका एक्सेस खो दिया है, और चाइना ने जो है वो 25 हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट जो उनको एक्वायर कर लिया है, उन एरियाज को उन्होंने जो है वो अपने हाथ में ले लिया है, और इंडिया ने वो जमीन अपने हाथ से खो दी है चाइना को, ठीक है ना। 2020 के जो क्लैशेज हुए थे उस एरिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर काफी ज्यादा बवाल हुआ कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने ये बात लोगों को नहीं बताई कि भाई इतने एरिया को जो है वो चाइनीज ने एक्वायर कर लिया है और हमारे हाथ से जमीन जा चुकी है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है वो इनका ये कहना है कि भाई ये जो रिपोर्ट दी है ये रिपोर्ट सरकार की नहीं है, बेसिकली ये किसी जो है रिपोर्ट जो है बेसिकली देने वाले जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, और उनका कहना है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये यहाँ पर जो बात हुई है वो ये है कि क्या सरकार को अपनी तरफ से सफाई इसके ऊपर पेश करनी चाहिए कि भाई हमारे कोई भी जमीन जो है वो वापस वहां पर गई नहीं है और ये सिर्फ एक अफवाह है, ठीक है ना। तो ये चीज इनका कहना है कि भाई दिक्कतें कई सारी है कि एक तो क्लैरिटी नहीं है इस इशू के ऊपर कि भाई जमीन हाथ से गई है या नहीं। सेकेंड चीज इनका कहना ये है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में या फिर आपके सेंटर में या फिर लद्दाख के अंदर जो चाइना के साथ में बॉर्डर है, LAC है, उसके अंदर दिक्कत ये है कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है ना। उसको संभालने वाले अलग अलग जगहों पे अलग अलग फोर्सेस हैं, और उसको देखने वाले भी अलग अलग है ना, और ओवरऑल वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करते हैं, जबकि आपकी दूसरी साइड अगर आप LOC को देखोगे पाकिस्तान वाले, तो उसको जो है वो डायरेक्टली मिलिट्री जो है वो खुद रिपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये चीज भी दिक्कत है। सेकेंडली इनका कहना है कि भाई ट्रस्ट इश्यूज काफी ज्यादा है दोनों देशों के बीच में, जिस कारण से जो है बेसिकली बॉर्डर का इशू काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। जैसे देखो ये है इंडिया चाइना का बॉर्डर, अब इसके अंदर ये जो सेक्टर है ये आपके ईस्टर्न सेक्टर है ना, यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश को जो है वो चाइना क्लेम करता है कि उसका एरिया है, जबकि इंडिया कहता है भाई अरुणाचल प्रदेश उसका एरिया है ना। तो ये सारा का सारा एरिया यहाँ तक आपके ईस्टर्न सेक्टर में आता है, ये है सेंट्रल सेक्टर जिसमें आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया आता है। इस एरिया के अंदर बहुत कम डिस्प्यूटेड एरिया है, नॉर्मली दोनों देश एग्री करते हैं यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर है ना, थोड़ी देर बहुत जगहों को छोड़ करके बाकी लगभग एग्री करते हैं, है ना। सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये लद्दाख का है ना, ये लद्दाख का इस पूरे एरिया में काफी ज्यादा डिस्प्यूट है कि भाई कौन सा एरिया किसका है। ये अक्साई चिन का जो एरिया इसमें आपको दिख रहा है, इस पूरे एरिया को इंडिया मानता है कि भाई ये इंडिया का एरिया है ना, जबकि जो आपके चाइना का एरिया है चाइना कहता है कि भाई ये एरिया पूरा का पूरा जो है वो चाइना का है ना। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्प्यूट चलते हैं। थोड़ा इस लद्दाख वाले एरिया को हम लोग और ज्यादा जो समझ लीजिए कि जूम करते हैं तो ये है ना। अब ये जो एरिया है इसके अंदर आपके जो फ्लैशिंग पॉइंट है जहाँ पर लड़ाइयाँ होती है,
तो वो बेसिकली ये है, सबसे ऊपर जो है ये है दौलत भाई गोल्डी, इंडिया का एयरफोर्स स्टेशन है ना, और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशन है जो कि इन स्टेट ऑफ वॉर पाकिस्तान पर और आपके चाइना पर, दोनों पर एक साथ नजर रखने के लिए काम आएगा, ठीक है ना। तो ये एयरफोर्स स्टेशन जो है ये इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम है दौलत भाई गोल्डी। यहाँ से सीधी जो है वो एक रोड जो है वो नीचे तक जाती है, ठीक है ना। और ये जो दौलत भाई गोल्डी की जो रोड है ये गलवान वैली से जाती है, ये रोड जो है इसके पास में गलवान के पहाड़ है, ठीक है ना, गलवान रिवर है उसके पास में गलवान के पहाड़ है, और यहीं पर जो है बेसिकली आपकी सेकेंड क्लैश पॉइंट है जिसका नाम है गलवान, है ना। तीसरी चीज जो है वो आपकी कोंगला है, ठीक है ना। उसके बाद में जो है आगे से आगे चलते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स है, इसके अंदर अभी भी रिसेंटली काफी ज्यादा लड़ाई हो गई है ना। उसके बाद में आपकी पेंगोंग सो, पेंगोंग सो बेसिकली एक लेक है इस एरिया में, सॉल्ट वाटर लेक है, तो समझ लीजिए इस तरह से एक बड़ा लेक है ना। अब ये जो बड़ा लेक है इसके अंदर आधे पार्ट के अंदर जो है वो इंडिया आया हुआ है, आधे में चाइनीज आए हुए हैं ना। एक साइड में मान लो चाइना आ रखा है, एक साइड में इंडिया आ रखा है, ऐसा जो है वो इंडियंस कहते हैं कि भाई पूरा लेक हमारा ही, जो आधा लेक की तक हमारा है, जबकि चाइनीज कहते हैं कि पूरा पूरा लेक ही हमारा है। देखो चाइना का तो सिर्फ फिक्स सिस्टम है कि जो एरिया जहां तक मिला है उसके आगे और जाना है ना, वो सब मेरा ही मेरा है, हो गया, कोई पीछे का और किसी का है ही नहीं, सब सबका सब जो है वो आपकी चाइना का ही, ऐसा इस तरह की चीजें जो है उसमें दिखती है। इसके अलावा चंशुल का एरिया और आपके डैम चौक का एरिया भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई अभी रिसेंटली हुई है चुमार में, है ना, इन तीनों के साथ में, है ना। तो ये एरिया बेसिकली आपके मेन जो चीजें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है भाई हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पर है, या पेंगोंग सो लेक कहाँ है, पेंगोंग सो में कितने फिंगर्स हैं, है ना, 8 फिंगर्स हैं बेसिकली, और उसके ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट इज चैट जीपीटी एज द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म। चैट जीपीटी बेसिकली क्या चीज है कि इंडिया के अंदर जो है वो आपके एक नए तरीके की टेक्नोलॉजी आई है, चैट पीजीटी जीपीटी। इसका अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लेकर के, और बेसिकली कोई भी आप चीज इसको दोगे तो ये काम कर देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कर्नाटका के अंदर जो बच्चे जो होमवर्क करते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट वर्क जो है बच्चों ने चैट जीपीटी पर डालना शुरू कर दिया, और चैट उसको जो है ये जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है इसको आपको सिर्फ टॉपिक बोलना है, जैसे इंडिया चाइना रिलेशन, इसको आप बोलोगे तो ये बिना कॉपीराइट का वॉयलेशन करे खुद से जो है वो मटेरियल बनाएगा और सारा का सारा जो है वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बना करके और आपको 1 सेकंड में दे देगा रियल टाइम के अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि स्कूल्स के अंदर जो प्रोजेक्ट फाइल्स दिए जाने लगे वो सारे के सारे जो है वो बच्चे चैट जीपीटी से करने लग गए, है ना, और सब बच्चों को अलग अलग मटेरियल मिलता है ना, बिना कोई कॉपीराइट के इशू के, तो ऐसे बच्चे भी खुश हो जाते थे। तो इस चीज के कारण स्कूल्स में काफी ज्यादा इशू हो गया और रिसेंटली कर्नाटका को बैन करनी पड़ी चैट जीपीटी को, है ना। तो इसके ऊपर जो है वो इशू बना है जर्नलिस्ट के साथ में आज, जिसके अंदर इन्होंने एडिटोरियल में ये चीज लिखी है कि भाई जर्नलिस्ट को भी जो अब काम है वो उनका भी जो काम है अब उसको और कम करने के लिए चैट जीपीटी जो है वो आगे आ रहा है, जहां पर ये चीज देखने को मिल रही है कि भाई इस तरह का जो चैट जीपीटी है वो जर्नलिस्ट के लिए सारे न्यूज जो है वो कलेक्ट करके दे सकता है, ठीक है ना, और वो लोग जो है वो फिर इन्वेस्टिगेशन का काम करे, है ना। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सारी चीजें हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सभी जगहों से न्यूज को गैदर करता है, सब इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसको फिल्टर करता है, और काम के हिसाब से जो है वो अपने जो भी अपने हेड है उसके सामने रखता है कि भाई ये चीज को ऐसे रखा जा सकता है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले भी जो है वो बात करी थी कि बेसिकली कंप्यूटर के अंदर दिमाग की तरह डाल दिया है कि भाई कंप्यूटर खुद से सोचता है और अपने हिसाब से काम करता है ना, आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस है। हम लोग क्या है, हम लोग नेचुरल इंटेलिजेंस है, एनआई है, और ये लोग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज है। साइट्स डेटाबेस रिवील रेड सैंडर्स स्मगलिंग। रेड सैंडर्स क्या होगा, आप लोगों ने पुष्पा देखी होगी, है ना, पुष्पा जो फिल्म है आपकी, उसके अंदर जो लकड़ी काट करके और बेसिकली वो बेच के आते हैं वो होती है रेड सैंडल्स। ये रेड सैंडल्स जो, या फिर आपका लाल चंदन जो है, ये बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जहाँ पर मिलते हैं, उस एरिया के अंदर बेसिकली एक शॉर्ट छोटा सा एरिया है तिरुवन के आसपास का, वहां पर जो है बेसिकली ये मिलता है, और पूरी दुनिया में सिर्फ इसी एरिया के अंदर ये मिलती है ना। 15-25 से 40 साल लग जाते हैं इस एक पेड़ को अच्छे से ग्रो होने में, ठीक है ना, और ये अगर एक बार ग्रो अच्छे से हो जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा मिलती है ना, लाखों करोड़ों के अंदर जो है उसकी कॉस्ट जो है वो बेसिकली लोगों को मिलती है। ऐसा क्या होता है कि जो भी लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि इन एरियाज में से इस जो लकड़ी है इसको काट करके और बेचा जा सके। चाइना में, जापान में इसकी काफी ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे किसी तरह के फर्नीचर जो है वो इस चीजों से बनते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल प्रॉपर्टी में भी ये काम आते हैं, ठीक है ना, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को भी बनाने के लिए जो है वो आपके रेड सेंडर्स काफी ज्यादा काम आता है ना। तो रिसेंटली जो
साइट्स की जो डाटाबेस है, साइट्स बेसिकली जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीज देखती है कि भाई एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो है उनको कोई भी तरह का खतरा होता है तो उनको उन खतरे से बचाया जा सके, उसका काम साइट्स का है। तो साइट्स ने भी रिसेंटली डेटाबेस में ये चीज रिवील की है कि जो रेड सैंडलवुड है, रेड सैंडल्स है, उसकी स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसको जो है वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहिए वरना काफी दिक्कत हो सकती है, शायद ये जो जो पेड़ है ये मिलने बंद हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, ये चीज है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। स्पीशीज एंडेमिक ट्री इंडिया का एंडेमिक है, कहाँ मिलती है तो डिस्टिंक्ट ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश, वहां मिलती है, ठीक है ना। रेड सैंडल यूजुअली ग्रो इन रॉकी डिग्रेडेड एंड फेलो लैंड्स विद रेड सॉइल एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है ना। थ्रेट्स क्या है तो इलीगल स्मगलिंग इसका थ्रेट है, ठीक है ना। राइस यू और थ्योबेटिक प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है चाइना और जापान के लिए, जैसे हम लोगों ने बात कर ही ली है ना। फर्नीचर, वुड क्राफ्ट या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। इसका स्टेटस क्या है तो IUCN जो स्टेटस है वो तो एंडेंजर्ड है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स सेकंड में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल सेकंड में इसको माना जाता है। साइट्स क्या है तो साइट्स कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बनी हुई है, ठीक है ना। ड्राफ्ट की थी रेजोल्यूशन से 1963 के, ठीक है ना, और IUCN की मीटिंग के अंदर ये बना था। देखो IUCN सबसे पुराना है, 1948 में बना हुआ है ना। सबसे ज्यादा पेरेंट बॉडी लगभग आपकी जितनी भी एनवायरनमेंट चीजों की होगी वो आपको IUCN ही मिलेगी, है ना। तो IUCN की एक मीटिंग के अंदर इसको साइट्स को बनाया गया है 1963 में, ठीक है ना। 1975 में ये इनफोर्स आया, ठीक है ना। और एम जैसे हम लोगों ने बात कर ली, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है एनिमल्स या प्लांट्स में उसको वो उनके थ्रेट तो ना कर रहा है, उनके सर्वाइवल को इस चीज को देखना और उनको बचाना है ना। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटेरिएट है वो UNEP के साथ में जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही, ठीक है ना। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। अपेंडिक्स देखो इसमें क्या होता है कि साइट्स के अंदर दो अपेंडिक्स है ना। अपेंडिक्स वन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस, जो ऐसी ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत ज्यादा जिनकी हालत खराब है, कभी भी खत्म हो सकती है, ऐसे जानवर या ऐसे प्लांट जो है वो डाले जाते हैं जिनको अर्जेंटली बचाना बहुत जरूरी है ना। तो वो आते हैं अपेंडिक्स वन में। अपेंडिक्स टू के अंदर वो आते हैं जो कि थ्रेट तो है पर इतना ज्यादा थ्रेट नहीं है, उनको नॉर्मल सा थ्रेट है, ठीक है। तो वो अपेंडिक्स टू में आते हैं। ये दो जो आपके अपेंडिक्सेस हैं ये आपके साइट्स के। US मिलिट्री टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू फिलीपींस बेसिस। देखो इसमें क्या है कि फिलीपींस का जो एरिया है ना उसके अंदर रिसेंटली फिलीपींस में क्या सरकार चेंज हुई है ना। पहले जो प्रेसिडेंट थे रोड्रिगो, उनके अंदर उनके दिमाग में ये चीज थी कि भाई अपने को चाइना के साथ में ज्यादा कोलैबोरेट करना है, ठीक है ना। लेकिन अब जो चेंज हुई है वापस फर्डिनेंड मार्कोस की, उनका ये मानना है कि नहीं अब हमें जो है वो US के साथ में कोलैबोरेट करना है। देखो एक्चुअल में क्या है, अब ये जो इशू है इसको थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाते हैं। हो क्या रहा है कि भाई साउथ चाइना सी के अंदर जो जितने भी सिटीज, जितनी भी आपकी कंट्रीज है उनके बीच में आपस में काफी ज्यादा इशूज चल रहे हैं और उनके अंदर एक कंट्री जो है वो आपके चाइना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और मैप से हम लोग देखिए तो देखो ये एरिया है ना। अब इस एरिया को समझिएगा आप गौर से, इस एरिया में क्या हो रहा है कि आपके ये साउथ चाइना सी है ना। अब इस साउथ चाइना सी के अंदर आपके आसपास के जितने भी देश, ये आपका फिलीपींस है ना। अब फिलीपींस जो है देश उसकी, अब साउथ चाइना सी के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि देशों का जो बॉर्डर होता है वो देशों का बॉर्डर जो है वो देश के 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इकोनॉमिक जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो इसका होता है, इतना होता है। लेकिन चाइना का ये कहना है कि भाई चाइना का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इतना बड़ा है, इस पूरे एरिया को कवर करता है, इतना बड़ा जो है वो उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो ये जो साउथ चाइना सी का एरिया है ये काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड हो चुका है इस चीज के लिए, क्योंकि फिलीपींस कहता है भाई हमारा एरिया भी इसमें आता है, वियतनाम कहता है भाई हमारा भी एरिया आता है, ब्रुनेई कहता है हमारा एरिया आता है ना। तो ऐसा क्या है कि चाइना सबके एरियाज के अंदर ये बात बोल रहा है कि नहीं साउथ चाइना सी जो है वो तो मेरा एरिया है और किसी का नहीं है। रियलिटी क्या है कि साउथ चाइना सी के अंदर जो है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आपके ऑयल और गैस जो है उसके रिजर्व है। तो जिसके भी हाथ में ये पूरा एरिया लग जाएगा उस पूरे उस देश को जो है काफी ज्यादा फायदा जो है वो बेसिकली ऑयल और गैस के कारण हो सकता है। तो ऐसे जो सारे देश जो इसके लिए लड़े हुए हैं। अब हो क्या रहा है, फिलीपींस का काफी ज्यादा इशू जो है वो चाइना के साथ में चल रहा है और चाइना जो है उसके फेवर के अंदर पिछली जो पार्टी थी जो कि रूल कर रही थी फिलीपींस में, वो डायरेक्टली क्या सोच रही थी कि भाई हम लोग चाइना के साथ में कोलेबोरेट करते हैं। लेकिन आज की डेट में वापस वहां पे सरकार चेंज हुई है। अब हो क्या रहा है कि चाइना के अगेंस्ट में छोटे छोटे देश तो खड़े होने से लड़ने के लिए, तो ऐसा चीज क्या कर रहा है कि भाई इस एरिया के अंदर जो US अपना हाथ डालना चाह रहा है, जो US चाह रहा है भाई उसका उसकी हेजेमनी इस एरिया में भी रहे। तो ऐसा क्या हुआ है कि भाई US ने कोशिश करी फिलीपींस से बात करने की कि भाई आपके जो ताइवान के आसपास के जो थोड़े बहुत आइलैंड्स हैं जैसे इस एरिया में, है ना, जैसे ये आपके ताइवान,
ताइवान के आसपास की या फिर जितने भी आइलैंड्स हैं तीन चार, उन एरियाज को, उन आइलैंड्स को जो है आप मेरे को दे दो, है ना, उन एरियाज को किसको दे दो, यूएस को दे दो, ताकि यूएस जो है वो बेसिकली यहाँ पर अपना डिफेंस के पोर्ट्स बना सके और यूएस जो है वो इन स्टेट ऑफ वॉर जो है वो चाइना को भी अटैक कर सके, ठीक है ना। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं उस चीज के कारण अल्टीमेटली क्या है कि आपके ताइवान के बहुत ज्यादा पास आने से चाइना भी जो है और उसको और गुस्सा आएगा कि भाई फिलीपींस जैसा मेरे पास पास जो देश है वो अब यूएस की तरफ जा रहा है और यूएस को जो है एकदम इंडिया के पास में, चाइना के पास में जो है वो लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज ठीक नहीं है, जबकि ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो आपके यूएस के लिए है, क्योंकि इन स्टेट ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड यूएस, तो यूएस जो है वो अगर एकदम पास में इस तरह के एरियाज के अंदर बैठा होगा जहाँ पे उनके डिफेंस शिप्स होगी, तो डायरेक्टली अटैक करना काफी ज्यादा इजी रहेगा उनके लिए चाइना के ऊपर, है ना। तो ये सारी चीजों के कारण अभी रिसेंटली इसमें न्यूज बनी है जहाँ पर जो है वो यूएस जो है उन्होंने बेसिकली कहा था उनको कि भी आप हमें डिफेंस के लिए जो है वो आपके पोर्ट दीजिए, और फिलीपींस ने एग्री कर लिया है और अपने चार से पांच जो आइलैंड्स हैं उनको जो है बेसिकली यूएस को दे दिया है कि वो यहाँ पर अपना डिफेंस जो पोर्ट है वो बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली इससे रिलेटेड, जो सिक्योरिटी अलायंस जो बनाई है ये पहले भी बनाई थी 2014 में पैक्ट हुआ था, एनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए बेसिकली अभी जो है वो ही आपका फैक्ट हुआ है। नेक्स्ट इज आरबीएस सेट टू सीक डिटेल्स ऑफ बैंक लोन्स टू अडानी ग्रुप। ये बेसिकली अडानी ग्रुप जो है उनका ही कहना है कि भाई ये अडानी ग्रुप की जो सिचुएशन है वो किन किन बैंक्स के साथ में है, कौन कौन से बैंक ने जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है अडानी ग्रुप के अंदर, वो चीज देखने के लिए बेसिकली अब आरबीआई ने सभी बैंक्स को बोला है कि भाई जिन जिन लोगों ने, जिन जिन बैंक्स ने अडानी ग्रुप के अंदर आप कह सकते हो कि पैसा लगा रखा है या लोन दे रखा है उनको, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आरबीआई को सबमिट करें, ताकि वो बैंक्स जो है उनकी सिचुएशन खराब ना हो जाए अगर अडानी ग्रुप पेमेंट ना कर पाए तो, है ना, ये चीज है। कुछ छोटी न्यूज है जैसे कट इन मनरेगा आउटकम इज नॉट अ कंसर्न। अब ये बेसिकली क्या चीज है, जो मनरेगा के अंदर आउटपुट गिरा है, मनरेगा के अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने कल बात करी थी कि भाई पैसे जो है मनरेगा के काट लिए गए, है ना, और इस बार स्कीम के अंदर 60 करोड़ के आस 60,000 करोड़ के आसपास ही दिए, है ना। तो यहाँ पर जो इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी है उनका इंटरव्यू है जहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि भाई इंडिया के अंदर जो पैसा है वो मनरेगा के अंदर ही लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जल जीवन मिशन के अंदर हम लोगों ने काफी पैसे डाले हैं और जल जीवन मिशन में जो काम होगा पॉन्ड्स बनाने का या लेक बनाने का या फिर वाटर वर्क्स बनाने का, कैनाल बनाने का, ये अल्टीमेटली उन्हीं मजदूरों को काम में लेगी जो मनरेगा में है, तो ओवरऑल वो पैसा भी जो है वो मनरेगा में ही लगेगा, है ना। और ऐसा जो है वो मनरेगा का पैसा कम हो जाएगा ये चीज कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी स्कीम्स है उनका पैसा भी हम लोग मनरेगा के हेल्प से ही लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर पैसा थोड़ा कम दिख रहा है पर रियलिटी में ज्यादा है ना, ये चीज। स्टडी मसूरी स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी, हुआ क्या जैसे आप लोगों ने रिसेंटली देखा भाई जोशीमठ का जो इशू हुआ उसके बाद में जो है वो सरकार जो है जोशीमठ के जो इशू हुआ उसके बाद में रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये बात बोली है उत्तराखंड की सरकार को कि मसूरी की भी धीरे धीरे स्थिति वो हो रही है, बहुत ज्यादा स्पीडली मसूरी जो है बढ़ रहा है, और अब सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि मसूरी के अंदर भी ये चीज देखे कि भाई उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, क्या उससे ज्यादा तो वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, उससे ज्यादा तो वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, अगर हो तो उसको रोके वहाँ पे वरना वो भी ढह जाएगा, है ना, ये चीज है। एक तीसरी चीज जो उसके अंदर देखने को मिल रही है वो आपकी सोनक वांगचुक की है, ये बेसिकली बहुत फेमस आपकी कह सकते हो कि पब्लिक अफेयर्स की पर्सन है जो एजुकेशनल रिफॉर्मर्स का कहे जाते हैं लद्दाख के, है ना। हम लोगों ने अभी जो रिसेंटली बात करी थी भाई लद्दाख के अंदर जो है वो आपके लद्दाख के अंदर काफी ज्यादा इशू हो रहा है कि उनको सिक्स शेड्यूल के अंदर डाला जाए, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी सारा काम कर रही है, तो उसका विरोध जो है वो सोनम वांगचू ने भी किया है, ठीक है ना। और ये एजुकेशनलिस्ट है और काफी फेमस पर्सन है जिनको जो है वो मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, और शायद ये बात भी कही जाती है कि जो थ्री इडियट्स फिल्म के अंदर जो आमिर खान है वो बेसिकली ये पर्सन ही है ना, जिन्होंने ऐसे ऐसे तरह के इन्वेंशन किए हैं और एजुकेशन के ऊपर काम किया है, ठीक है ना, ऐसा भी कहा जाता है, रियलिटी है नहीं पता नहीं, ठीक है ना। तो ये पर्सन भी काफी फेमस है और इन्होंने भी ये बात कह दी है कि सेंटर की पॉलिसी जो है बेसिकली मिलिटेंसी की तरफ लेके जा रही है लद्दाख को, यानी कि यहाँ पे मिलिट्री का रूल हो, यहाँ पर लोगों का रूल ना हो, पीपल का रूल ना हो, डेमोक्रेसी ना हो, उस तरफ जो है वो सरकार को लेकर के जा रही है, ये चीजें देखने को मिल रही है आपके लद्दाख में, ऐसा इनका कहना है सोनम मांग चुका, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आज का आपका न्यूज पेपर था, कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई चीज हो तो आप हमें बता सकते हैं, हमें जो है वो लिख सकते हैं, हम लोग जो है वो आपको कमेंट्स में आप लिख देंगे तो हम लोग जो है वो उसको देख लेंगे, ओके। तो ये आपका न्यूज पेपर था, कोई क्वेश्चन है किसी को, एनीवन?
पहले ठीक है, फिर बंद करते हैं हम लोग, है ना? हो गया सर। हो गया सर जी। कर दिया।